नमस्कार लीडर, मैं ध्रुव कुमार रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मेटा मास्क वैलेट कैसे क्रिएट किया जाता है और मेटा मास्क में बीएनबी स्मार्ट चेन वैलेट कैसे बनाया जाता है, साथ में किस तरीके से हम पेमेंट को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, सारे चीज़ों को आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मेटा मास्क डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वैलेट है। इसके माध्यम से आप बहुत ही आसान तरीके से ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, किसी को सेंड कर पाते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल सारा ऑप्शन दिया है। बहुत ही सिक्योर और सेफ मोड पे है। जैसे आप अलग अलग वर्ल्ड वाइड या इंडिया के कई एक्सचेंज है, उस एक्सचेंज में आपके वैलेट होंगे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपका मेटा मास्क ट्रस्ट वॉलेट, इस तरीके से जो वैलेट होते हैं पूरी तरीके से सिक्योर रहते हैं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज होते हैं, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता है और कोई इसे आपको चाह करके भी हैक नहीं कर सकता है, किसी तरीके से चोरी का कोई डर नहीं रहता है। बस आपको इसमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि की आपको किसी को नहीं देना है, जो अभी हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे की जनरेट होता है, उस की को किसी को नहीं देना है। और क्योंकि इसमें एक बार की आपका चोरी हो गया या फिर कहना चाहिए खो गया, आप भूल गए, तो रिकवरी नहीं हो पाता है, इसलिए आप उसे अच्छी तरीके से लिख करके नोट करके उसे रखें, ताकि दोबारा ऐसा नौबत ना आए और आपका पेमेंट लॉस ना हो जाए। इस चीज़ों को बस इसमें ध्यान देना है। इसी तरीके से यहाँ पे आके देखिए, जैसे क्रोम है तो क्रोम के लिए कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देता है। iOS आपके पास है तो उसके माध्यम से कर सकते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल आपके हैं तो मोबाइल से बहुत आसान तरीके से इसमें प्ले स्टोर में जा करके लोड होता है, लोड करके आप इसे बना सकते हैं। जैसे इसमें बताऊंगा उसी तरीके से मोबाइल में भी लोड होता है, उसे बनाइए और बना करके इसका यूज करिए, बहुत आसान है। बाकी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से क्रोम में बताऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्रोम ब्राउज़र मेरे पास है, इसमें बताऊँगा, यहाँ तो ऑलरेडी इसे कर लिए हैं। जैसे ही इस तरीके से ऑप्शन को क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप अगर पहले से आपका बना हुआ है कि तो उसमें इंपोर्ट, यहाँ पे आकर के इंपोर्ट कर सकते हैं, और नया आपको बनाना है तो यहाँ पे आकर के आप नया क्रिएट वैलेट को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट वैलेट को क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर इसे एग्री बटन को क्लिक करेंगे। एग्री बटन क्लिक करते ही यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा। आप पासवर्ड में स्ट्रॉन्ग कोई भी पासवर्ड बनाएं, क्योंकि अगर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा तब आपका सिक्योर रहेगा और आप अब सेफ मोड पे चलेंगे। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे मैं इसे लेता हूँ, जैसे यहाँ पे शो कर देते हैं, यहाँ पे क्रिएट लिया, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, कोई भी पासवर्ड रखना है स्ट्रॉन्ग रखना है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, कुछ इस तरीके से लेंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जैसे पासवर्ड पी को कैपिटल जैसे कर लेंगे, जैसे आप कोई भी पासवर्ड ले सकते हैं। इसमें कुछ पासवर्ड लेकर के बताता हूँ, कोई भी पासवर्ड लेंगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लेंगे, जैसे मनोज हो गया मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको लेना है।
मतलब जैसे मनोज हो गया सामने का कैपिटल, बाद में स्मॉल, फिर एट द रेट हैच, कोई भी इस तरीके से ले सकते हैं। इसी तरीके से इसे री पासवर्ड भी करना है, री पासवर्ड में भी सेम इसी तरीके से डालना है, और डालने के बाद आप इसे इस तरीके से ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ इसके बाद क्रिएट को ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट ऑप्शन को क्लिक करेंगे कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ पे वीडियो दिखाई देगा कि किस तरीके से आपको इसको सिक्योर रखना है। और यहाँ पे नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके इस बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही इस बटन को क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे इसको पूरी तरीके से लिख करके रखना है। ये जो देख रहे हैं इसे आपको अच्छे से लिख करके रखना है कि कहीं ये खो ना जाए, और कभी अगर खो जाता है तो ये दोबारा रिकवर नहीं हो पाएगा। इसे कॉपी करके मैं इसे नेक्स्ट करके दिखा रहा हूँ, इसमें पेस्ट नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे उसे लिख लिख करके रख लिया है। उसे हो सकता है मोबाइल अच्छे से कॉपी में लिख करके रखें ताकि दोबारा जब भी उसको यूज करें आसानी से आप यूज कर पाएँ, कहीं खो ना जाए, उसको लिख करके अच्छे से रखें। तो कुछ इस तरीके से उसको एक एक करके लिख लेंगे। जैसे जीकू पेपर अट्रैक्ट अल्फा फैट ग्रेव मोमेंट यूजेज यूजेज से पहले एक बार फिर से जाएगा, बैक जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे यूजेज से पहले मोटर था फिर कंफर्म नहीं आया। ये बैक का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कभी हो रहा है तो फिर से बैक करना पड़ेगा क्योंकि एक बटन को मैं क्लिक करने में मिस्टेक कर दिया जिसकी वजह से नहीं ले रहा है। दोबारा मैं इसे फिर से करता हूँ, सेम लेकिन ऐसे ही करना है, सेम वही है, कोई अलग नहीं है। फिर से मैं इसको फिलअप करता हूँ, एक एक करके आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ के फिलअप करना है। एक पेपर अट्रैक्ट ग्रेव स्क्रिप्ट फैन मोमेंट मोटर यूजेज कॉर्पोरेट, मतलब पूरी तरीके से सही सही डालेंगे तभी जाके लेता है। इस टाइप से कर देंगे और यहाँ पे आपका बन करके तैयार हो गया। इस टाइप से बना लेंगे। यहाँ पे देखिए अभी एथेरियम बेस पे आपका मेटा मास्क का वैलेट बन के तैयार हो गया। इसे जो एड्रेस है यहाँ से किसी में सेंड कर सकते हैं, इस तरीके से सेंड बटन बटन को, और यहाँ से कॉपी करके किसी भी व्यक्ति को आप सेंड कर पाएंगे। कहना चाहिए कि यहाँ से एड्रेस को कॉपी करके उसमें रिसीव कर पाएंगे। स्वैप अप करना है तो यहाँ से स्वैप अप कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा भी वैलेट बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, और अदर कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी अदर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अदर एक्टिविटी देखना चाहते हैं यहाँ से वो भी देख सकते हैं। सारा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। यहाँ जो वैलेट है अगर नेटवर्क ऐड करना है अदर नेटवर्क तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं इसके माध्यम से बताऊँगा किस तरीके से बाइनेंस का ऐड करते हैं। तो यहाँ से नेटवर्क में जा करके एड नेटवर्क को क्लिक करेंगे। एड नेटवर्क को क्लिक करते ही यहाँ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैं यहाँ पे ऑलरेडी इसको सर्च करके रखा है और इसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप लोग इसे
यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मेटामास्क में बाइनेंस स्मार्ट चेन के वॉलेट कैसे बनाया जाता है और आप आसानी से बना करके उसको उपयोग कैसे कर पाएंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे नेटवर्क नेम में स्मार्ट चेन, इसे बाइनेंस स्मार्ट चेन भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं मैं नेटवर्क नेम स्मार्ट चेन। और यहाँ से मैं कॉपी करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग मोबाइल में भी सेम इसी तरीके से कर पाएंगे और सेम इसी तरीके से इसमें भी कर पाएंगे, दोनों में आप आसान तरीके से कर सकते हैं। चेन आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चेन आईडी लिख पाएंगे, 56 है तो 56 लिखेंगे। और सिंबल कैपिटल में BNB होता है, कैपिटल में BNB लिख देंगे, या तो फिर डायरेक्ट यहीं से मैं कॉपी करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े समझने में। इसी तरीके से नीचे में दिया हुआ है इसके URL, इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ऐसे करते ही आपका बाइनेंस BNB का स्मार्ट चेन का आपका बन चुका है, या सेम इसी एड्रेस पे, एक ही एड्रेस पे आप आसानी से किसी को भेज पाएंगे और किसी से आप मंगा पाएंगे। सेंड करना है यहाँ से सेंड भी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए जो एड्रेस है इसी एड्रेस को कॉपी करके किसी से BNB मंगा सकते हैं और किसी भी एक्टिवेशन को इसमें कर सकते हैं, जैसे कोई भी एक्टिविटी करना है। बहुत आसान प्रक्रिया है और आपको पता है कि BNB स्मार्ट चेन में आपको बहुत ही कम फीस लगता है। इस तरीके से आप अपना आसानी से वैलेट क्रिएट करने के बाद, पूरी तरीके से सिक्योर तरीके से वैलेट क्रिएट करने के बाद मेटामास्क के माध्यम से, मेटामास्क में बाइनेंस स्मार्ट चेन इस तरीके से ऐड किया जाता है। आप लोग आसानी से इसे समझ गए होंगे और एक से ज़्यादा आपका ID इसमें बना सकते हैं, एक से ज़्यादा आप वैलेट क्रिएट कर सकते हैं, सब इसमें दिया हुआ है। तो इसी तरीके स्वैपअप भी यहाँ से कर सकते हैं, अगर आप स्वैप करना चाहते हैं तो यहाँ से स्वैपअप का भी ऑप्शन दिया हुआ है, स्वैपअप भी कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको देख करके समझ गए होंगे। यहाँ देख लीजिए, इसे इस बटन को क्लिक करेंगे, एक से ज़्यादा अगर वैलेट क्रिएट करना है इस बटन को क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक किया। सेकेंड है, अगर कुछ और नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया ध्रुव 2, तो ध्रुव 2 हो गया, क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से ध्रुव 2 करके दूसरा ID क्रिएट हो गया, ये देख लीजिए इसका भी वही आ गया। इसमें फिर से हमको अगर देखना है कि हमको बाइनेंस नहीं एथेरियम के स्मार्ट चेन पे जाना है, मतलब मेन नेट पे, तो ऑलरेडी एथेरियम पे यहाँ पे आ गए। फिर से हमको दोबारा बाइनेंस में जाना है तो यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन को क्लिक कर देंगे, हमारा ये आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से आप 2, 3, 4, 5 जितना मर्जी है एक ही ID पे ऑलरेडी आप इसे कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग कैसे इसमें आसान तरीके से बना करके आप इसमें कनेक्ट करते हैं। सेम ऐसे मोबाइल पे ही बनता है, मोबाइल में भी इसी तरीके से बना करके आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें आप ट्रस्ट वैलेट के तरह बैंकिंग स्वैप हो गया और भी हो गया यूज करके आप कोई भी नया, जैसे क्रिप्टो कोई भी आता है तो उसे आप इसमें स्वैप करके ले सकते हैं और बहुत आसान है, आप लोग जान गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो टेक्निकल ध्रुव चैनल में, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए साथ में अपने फ्रेंड दोस्त जो अभी तक मेटामास्क यूज नहीं करते हैं, तो इस वैलेट को जरूर यूज करना चाहिए। आप क्रिप्टो में हैं या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या क्रिप्टो फील्ड में ताल्लुकात रखते हैं, तो आपको ज़रूर इस फील्ड में मेटामास्क को वैलेट क्रिएट करना चाहिए, क्रिएट करके रखिए और साथ में हर वीडियो को लाइक भी करिए। और इसी तरीके से वीडियो हमेशा आप मिलता रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको तुरंत वीडियो मिले और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप वीडियो देख करके आप पूरी जानकारी लेते रहें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।